भचार भचार आराम बेटा देखो सब हम आ गए पूरे ऊपर बोल भैरवनाथ की जय, जय हो भैरव बाबा की जय। अबे निकली हांगलिया भैरवनाथ की पुरानी पुरानी सिंगल है। अभी हम आ गए हैं बिल्कुल डूंगर के चोटी के ऊपर और यहाँ पर करेंगे हम मेन स्थान पुराना भैरवनाथ का। ये स्थान है, बहुत पुराना स्थान है, दर्शन कीजिए आप। पूरी पृथ्वी में फैला हुआ है ये भैरवनाथ। बोल चलने भैरवनाथ की जय हो। ये वो धार दे अपन ध्यान को फाचे वाह फाचे तो देव फाला पड़ा है। ये देखो चिमटा हांकला खूब बिल वही टू छावे जो ले लो भैरवनाथ का खई कमी को ने छावे जो ले लो। हाँ मारा धनी के खई लीला देखो खई दिक्कत को ने कृपा भैरवनाथ की लगो डोगरा सिगरेट फसे पियो आगे जय जयकार हो। यह है मुख्य स्थान मंदिर चलाने भैरवनाथ का, बहुत ही देखो सुंदर दृश्य है। जय जयकार और सूर्य भगवान का दर्शन करवाता हूँ आपको। यह है सूर्य भगवान, दर्शन कीजिए आप सूर्य भगवान के। जय हो। बस चलना भैरवनाथ की जय। जय हो जगदम्बा जोगनिया रानी की जय। ऐसे ही लाइव वीडियो देखने के लिए भक्तों दोस्तों आप हमारे चैनल जोगनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल का नाम है जोगनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जय जयकार हो। जय हो चलना भैरवनाथ की जय हो। धूप दवाड़ा हो रहे हैं श्री बाबा के, दर्शन कीजिए आप। जय जयकार हो आपकी, यहाँ पर कोई कमी नहीं है बाबा के यहाँ पर, बाबा के यहाँ पर कोई कमी नहीं है। अच्छा गुप्पा वालो रहो है। हाँ दोस्तों ये गुफा है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहली बार दिखाने जा रहा हूँ गुफा। पता नहीं इस गुफा के अंदर क्या है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गुफा। ये है मेन गुफा, इस गुफा में जो भी आदमी थे गए वापस नहीं आए, पता नहीं क्या करामात हैं बाबा की। जय हो जय जयकार हो। जय हो सा। बहुत कठिन रास्ता है, ध्यान रख के चलना पड़ता है, यहाँ पे गिरने की बहुत संभावना रहती है, बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं यहाँ पे। जय जयकार हो। गुफा की माया है, देखो यही मेन स्थान है, पुराना स्थान है गुफा।
ये भक्त जा रहे हैं अंदर, पप्पू सिंह जी नाता गांव पितास वाले। ये गुफा वाला के चिमटा चलता है, चिमटा चलता है यहाँ पे। जय जयकार हो। वाह बाबा वाह, अच्छा दर्शन होया। जय हो महानाथ, जय हो। ये थका शाबू गुफा दी की आज और सब यही मिलावा। हाँ पहली बार दर्शन हो रहा है बाबा का, देखो पहली बार दर्शन हो रहा है गुफा का। देख लो भाई, ये गुफा है, ये पप्पू सिंह अंदर जा रहा है गुफा में, गुफा में। अच्छा। और ये फल है जो खाए कौन भैरनाथ का पासा ना होला। कोई मुंह ना जब से उठे चित्तौड़ निकले ली रे चित्तौड़ की गुफा या। गुफा वाला नाथ चित्तौड़ जय हो भैरनाथ की। निकली कावरी में। अच्छा उकारेश्वर की गुफा भी यही है। यही है कावेरी। जय जयकार हो। तो दोस्तों ये गुफा सीधी निकल रही है गढ़ चित्तौड़ में, और चित्तौड़ से कावेरी कहाँ पे है? ओमकारेश्वर महादेव यानी कि ओंकारेश्वर महादेव निकलती हैं ये सीधी गुफा। अगर आप इतिहास में पढ़ोगे तो यही मिलेगा कि ओंकारेश्वर ये गुफा निकलती हैं, चित्तौड़ गढ़ निकल रहे हैं, चित्तौड़ से डायरेक्ट ओंकारेश्वर गुफा निकलती हैं। यह भैरवनाथ की ही कृपा है, जय श्री भैरवनाथ की कृपा। बहुत से लोग मेरे कमेंट करते हैं जोगना रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे कि भाई ये पुराना इतिहास है कि नहीं, इनका इतिहास में वर्णन है कि नहीं। लेकिन इनका इतिहास में वर्णन है लेकिन कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि ये भैरवनाथ ऐसा है किसी को चमत्कार देने के बाद इतिहास में कुछ नाम दिया ही नहीं है। तभी तो पूरी पृथ्वी यहाँ पर पलट रही है, पूरी पृथ्वी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। महिमा भैरवनाथ की, चलना भैरवनाथ की। ये गुफा सीधी चित्तौड़ जा रही है, चित्तौड़ से डायरेक्ट कावेरी ओमकारेश्वर महादेव जा रही है। जय जयकार हो। इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल जोगनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल का नाम है जोगनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जय श्री जोगनिया माता जी की। जय जयकार हो।